एक राजा था, तो उस राजा ने अपने राज्य में एक घोषणा की, और घोषणा ये की कि इस राज्य में किसका बच्चा सबसे सुंदर है, कोई जिसको लगता हो उसका बच्चा सबसे सुंदर है तो वो लेकर के आए, एक कंपटीशन होगा और जो राज्य का सबसे सुंदर बच्चा है उसको इनाम दिया जाएगा। तो सब मैया अपने बच्चों को ला रही हैं, हमारा बच्चा सुंदर है, किसी कोई बड़ा गोरा चिट्टा है, कोई एकदम बढ़िया गुड्डा जैसा दिखता है। एक मैया आई, उसका बेटा एकदम काला, टेढ़ी नाक, आंख देखता इधर दिखता उधर, पूरा उसका जो स्वरूप एकदम दुनिया की दृष्टि से देखो तो बड़ा कुरूप है। वो लेकर के आई उस कंपटीशन में कि हमारे बच्चे को ये सबसे राज्य का सुंदर बच्चों का जो कंपटीशन है उसमें हम अपने बच्चे को लेके आए। राजा हंसा, राजा ने कहा, रे मैया ने देख तो लेती तेरे छोरा को, मोड़ो ने स्वरूप तो देख लेती कैसो है, कहां से तुझे बच्चा सुंदर दिखता है। तब उस माँ ने जो जवाब दिया, माँ ने हंस करके कहा कि राजा जी अभी आप अपनी नजरों से इसको देख रहे हो इसलिए आपको कुरूप दिख रहा है, एक बार मेरी नजर से देखो तो ये दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। इसको सुंदर बनने के लिए, दिखने के लिए सुंदर बनने की जरूरत नहीं, इसको सुंदर दिखने के लिए मेरी नजरों की जरूरत है। अगर वैसी दृष्टि आपको मिल जाएगी तो आपको भी सुंदर नजर आएगा, मेरी दृष्टि से देखो। तो कई लोगों को कृष्ण दिखता है आम इंसान, किसी को दिखता है कृष्ण महापुरुष। कृष्ण कौन था? एक महापुरुष था। किसी को कृष्ण दिखता है योगी, किसी को कृष्ण दिखता है राजाधिराज महाराज कृष्ण। पर तुम किसी सच्चे रसिक जन की दृष्टि से उनको देखो, सच्चे रसिक जन की कृपा से जो तुमको नजरिया मिलेगा उससे देखो तो तुमको कृष्ण अपना सर्वस्व नजर आएगा, अपना सब कुछ नजर आएगा, अपना प्राण, अपना धन, अपना मन, अपना चित्त, सब कुछ ठाकुर जी में नजर आएगा। अगर तुम्हें उसमें ये सब दिख नहीं रहा इसका मतलब अभी नजरिए में कमी है, कृष्ण में कमी नहीं है। नजरिया बदलो, दृष्टि बदलो। और दृष्टि कहां से बदलेगी? दृष्टि बदलती है सत्संग से। जितना हमारे जीवन में सत्संग आएगा, महापुरुषों के मुख से सुनेंगे, उतनी हमारी दृष्टि बदलती चली जाएगी, नजरिया बदलता चला जाएगा। आपने इस दुनिया में बहुत लोगों को, खासकर आजकल जो बड़ा बड़ी बड़ी वर्कशॉप करते हैं कि हम दुनिया को मोटिवेट करेंगे, बहुत जोश भरेंगे, सबको एक ही बात कहते हुए सुना, पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक विचार, सारी दुनिया ये ढिंढोरा पीटती है पॉजिटिव विचार। अरे जी सबको पता है पॉजिटिव विचार, पर लाएं कहाँ से? जब बैठते हैं बुद्धि नेगेटिव ही सोचती है, हर समय उल्टा ही सोचती है। हम ले जा रहे हैं बुद्धि को यहाँ, चलेगी वहां। इस बुद्धि ने ठान रखी है कि जो ये बोलेगा उसी का उल्टा करना। जैसे कभी कभी किसी घर की पत्नी नहीं होती, जो पति कहेगा उसका उल्टा जरूर करेगा। पति ने कहा कि पानी ज्यादा पीना चाहिए, शरीर के लिए बढ़िया होता है। तो बोली, नहीं नहीं पानी ज्यादा नहीं पीना चाहिए, ठंड पड़ रही है। पति कह देगा पानी पीना चाहिए तो उसका उल्टा करेंगी, नहीं पीना चाहिए तो उसका उल्टा करेंगी।